हेलो गाइस, राम राम सभी को, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं निकलूँगा अपना कोचिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जाऊँगा बस में, क्योंकि बस का जो है आज एग्जैक्ट टाइम जो दिखा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाती है, ठीक है। तो उस टाइम के बोर्डिंग अभी 5 मिनट पड़े हैं और मैं निकल चुका हूँ घर से। तो अभी चलते हैं बस में, बाकी मिलते हैं आपको बाद में, शाम को देखते हैं क्या रहेगा। नकुल और गैरी दोनों भाई की छुट्टी है, गैरी भाई की छुट्टियाँ पड़ी हैं, बाकी नकुल भाई की छुट्टी है आज। तो देखते हैं घर पे आके क्या रहेगा, मे भी आज काम पे भी जाना पड़ जाए जो रात को शॉप पे। तो जो भी होएगा बताएंगे आपको। फिलहाल चलते हैं बस स्टॉप पे, वहाँ करते हैं वेट और फिर मिलते हैं आपको सीधा सेंटर पे पहुँचने के बाद ही, ठीक है। तो फाइनली गाइस, मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से और अब मैं जाने लग रहा अपने सेंटर पर। तो अब देखा भी सेंटर पर जाकर क्या होगा कि नहीं, तो अभी मेरा ख्याल नहीं अपना सीधा सेंटर पहुँचने के बाद ही, बाकी उसके बाद देखा क्या आगे क्या होगा, सामने जो भी होगा बताऊँगा थाने भी, ठीक है भाई। तो फिलहाल ही अपना सेंटर पर ले लें, थोड़ी बहुत कोचिंग पढ़ लूँगा अभी, थोड़ी बहुत दो अक्षर सीख लें नॉलेज के, लैंग्वेज के इनकी दोखर दोखर सीख लें। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अपना, ठीक है भाई, सामने बाकी जो भी होगा, दोनों की छुट्टियाँ जो भी होगा देखेंगे भी, घर जाके पता लगेगा क्या करना क्या नहीं। बाकी जहाँ रात में काम जाने करो उन तो भाई से पूछ लेंगे फोन करके अभी आना कि नहीं आना, फिर तो उसके अकॉर्डिंग अपना सामने कहीं घूमने निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपने सामने भाइयों, ठीक है। तो फाइनली गाइस, घर पहुंचने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से फ्रीपोर्ट। बाहर आ चुके हैं हम, सालू खड़ा है पीछे उधर की, वो गैरी वो नकुल खड़े हैं, बाकी गैरी भाई अभी अंदर है। तो भी हम आएंगे, तो भी हम जाएंगे यहाँ से सीधा फ्रीपोर्ट बाय टैक्सी। तो हम कर रहे हैं फिलहाल उसकी वेट, बाकी करण तो लेट आएगा काम से। तो मिलते हैं आपको सीधा वो बाद में जब टैक्सी आएगी, बाद में टैक्सी में बैठ के मिलते हैं और उसके बाद सीधा फ्रीपोर्ट। इतना रुपया जो क्या होंगे करी, इतना रुपया जो क्या होंगे, इतना तो जो टीका करने रिपोर्ट कर जो क्या होंगे ना, इतना विश्वास तो मैंने अपने ऊपर 2 करोड़ दिया हो जाने, इतना तो जाने तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना फ्रीपोर्ट, ठीक है। ये मतलब फ्रीपोर्ट फैशन आउटलेट है अपना, ये पड़ता है अपना अपने घर से अप्रोक्सीमेट बाय टैक्सी आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन भाई अगर हम बाय बस आए तो पूरा 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ बस आती है 4600 अपने वहाँ से घर के पास से, मतलब कि मेट्रो स्टेशन से। तो गाइस, अंदर थोड़ा बहुत घूम फिरने के बाद, ठीक है, दो तीन मतलब मैंने आपको 2-3 शोरूम ही दिखाए हैं, तो वहाँ पर घूम फिरने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपना यहाँ से घर की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं अभी सीधा घर जाने या कहाँ जाना है, तो जहाँ भी जाएंगे बताएंगे आपको। फिलहाल
हम आ चुके हैं अपना बस स्टॉप पे, ये अपना बस स्टॉप ठीक है। तो अभी देखते हैं ये खड़ी अपनी बस ये जाएगी, बस फिलहाल देखते हैं क्या करना है ठीक है। तो जो भी होगा, तो गाइस हम बस में जाने के बजाय हम जा रहे हैं बाई टैक्सी, क्योंकि हमने जाना है सीधा अपना डोमिनोज ठीक है, कुछ खा पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रीपोर्ट के अंदर कुछ खाने पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह कॉन्टिनेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना डोमिनोज, तो फाइनली गाइस ऑर्डर हमने कर दिया है, ऑर्डर हमने किया है पिज्ज़ा, दो पिज्ज़ा मतलब एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेज है, एक कोल्ड ड्रिंक भी है ठीक है। बाकी अभी हम कर रहे हैं वेट यहाँ पे, तो थोड़ी देर करते हैं वेट, तब तक जो आपको यहाँ स्वास्थ्य भी दिखाता हूँ एकदम व्यू है। और अब मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू, मतलब बिल्कुल शीशे के बिल्कुल बाहर से ये गाड़ी जो बाहर चलती है और ये सामने बिल्डिंग, ये मतलब मेन अपना ब्रैरो में ही है जहाँ पहले रहते थे, उस घर के बिल्कुल पास है कॉन्टिनेंट के पास जो ब्रैरो वाला है। तो फाइनली गाइस अपना ऑर्डर भी आ चुका है, अपना दो पिज्ज़ा अपना कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्या, तो अभी खा लेते हैं पिज्ज़ा वगैरह जो भी ने ऑर्डर किया, और अब मिलते हैं आपको बाद में ठीक है। कि ये अपना पिज्ज़ा एक वेजिटेरियन एक उधर नॉन वेज है, तो भी खा लेते। तो गाइस पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाने के बाद हम बैठ चुके हैं यहाँ से बस में और अब निकल चुके हैं अपना घर की तरफ। तो अब चलते हैं यहाँ से अपना घर पे और मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँचने के बाद। तो फाइनली गाइस घर पहुंचने के बाद भी हमको मतलब भूख लग रही थी, तो हमने अब लगे हैं कम खाना खाने, ये दाल और रोटी। तो अभी खा लेते हैं खाना और मिलते हैं आप कल किसान दाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।